इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। पीडीएसडीएल के खिलाफ लाभुकों ने जताया आक्रोश। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में भी पीडीएस डीलर लाभुकों के हकमारी से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक ओर डीलर लाभुकों को राशन कम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाभुकों से राशन की कीमत तय राशि से अधिक ली जा रही है। इस मामले को लेकर अक्सर जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुर्खियों में रहते हैं। इस गोरख धंधे में उन्हें जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, ऐसा आम जनता का कहना है। ऐसा ही ताज़ा मामला सुपौल सदर प्रखंड अंतर्गत एकमा पंचायत स्थित बेला गांव का सामने आया है, जहां जन वितरण प्रणाली विक्रेता सत्यनारायण मंडल लाइसेंस नंबर 14107 पर कई कार्डधारी परिवार के लाभुकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीलर मनमानी कर हम लोगों को जुलाई माह की दाल नहीं दे रहे हैं। साथ ही अगस्त माह में 2 किलो चने की जगह 1 किलो चना दिया गया, वहीं फ्री पीएम योजना वाला अनाज का गेहूं भी नहीं दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं ने केरोसिन तेल की रेट भी अधिक लेने की कही, जबकि पॉश मशीन की पर्ची भी नहीं दी जाती है। कितना है? क्या लगा डेढ़ पिछले महीना दाल मिला था पिछले महीना में दाल नहीं मिला आदमी के नाम छे चना 1 किलो इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।